अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। दैट व्हाट आर ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप्स आर एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दीज कॉन्सेप्ट, दीज लीडरशिप स्टाइल्स। Transactional leadership based on the concept of exchange between leader and group members, leadership based on the concept of exchange between leader and group members. Leader provides resources and rewards in exchange for motivation, productivity, effective goal, or task accomplishments. अच्छा, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में क्या होता है? इसमें ये होता है कि लीडर अपने ग्रुप मेंबर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और रिवार्ड्स देता है, और बदले में उनसे क्या मांगता है? मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, गोल को अचीव करना, और जो भी टास्क उनको असाइन किए जाते हैं टाइम टू टाइम उनको कंप्लीट करना। मतलब ये एक किस्म का, हम इसको कह सकते हैं, गिव एंड टेक अप्रोच होता है कि आप को मैं एक लीडर जो है वो आपको पैसे देगा, रिसोर्सेज देगा, रिवार्ड्स देगा, और बदले में आपसे क्या मांगेगा? कि आप मोटिवेट रहो, प्रोडक्टिव रहो, गोल को अचीव करो, और टास्क जो है उसको कंप्लीट करो। तो ये ट्रांजेक्शनल लीडरशिप होता है। ये लीडरशिप काफ़ी जगहों पे अप्लाई होता है, आजकल भी होता है, अक्सर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा ये होता है, जिसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है, चाहे वो बैंक्स में एक एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि आप साल के एंड में या एनुअल बाई एनुअल या सेमी एनुअल या मतलब ये एट द एंड ऑफ द ईयर आप कुछ पैसे या क्रेडिट लाओ, अकाउंट लाओ, या इस तरह, मतलब ये कि आपको के पी आई दिया जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आप उसको कंप्लीट करो और बदले में आपको सैलरीज, रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स और ये तमाम चीज़ें दिए जाए। तो ये ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की किस्म है, या ऐसे ट्रांजेक्शन लीडरशिप कहा जाता है। ट्रांजेक्शन लीडरशिप की एग्जांपल्स, अगर एक टीचर आपको मार्क्स देता है स्टूडेंट्स को, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो असाइनमेंट्स को अच्छी तरह कंप्लीट करे, या अपना होमवर्क अच्छी तरह करे, या मतलब ये कोई भी टास्क को उसको अच्छी तरह कंप्लीट करे। या एक पॉलिटिशियन, वो अगर अपने वोटर्स को कहता है कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपके लिए या टैक्सेस नहीं लगाऊंगा, या आपके लिए डेवलपमेंटल काम करूंगा, या आपके लिए तरक्की, या इस तरह आपके लिए कोई डेवलपमेंटल वर्क्स आपके लिए करूंगा, तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होता है, जिसमें टू वे यानी कि गिव एंड टेक की बुनियाद पे ये लीडरशिप काम करती है। ओके, द डाउन साइड ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, इसमें एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं, लो एक्सपेक्टेशंस, मिनिमल एकम्प्लिशमेंट्स, लो लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म इमीडिएट आउटकम ओनली। अच्छा, देखें ये क्यों, इसमें मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह हो, लेकिन नॉर्मली इसके जो आउटकम्स होते हैं वो यही होते हैं। एक्सपेक्टेशन लो इसलिए होती है कि चूंकि गिव एंड टेक की बेस पे होता है, तो वो रिवार्ड कम एंड या ज़्यादा हो सकते हैं, और मतलब ये है कि मिनिमल एकम्प्लिशमेंट, ज़रूरी नहीं है कि एक फॉलोअर जो है वो तमाम चीज़ों को एकम्प्लिश करे फॉर द सेक ऑफ सैलरी और फॉर द सेक ऑफ रिवार्ड। मतलब इसमें कोई और एलिमेंट, कोई और जज्बा और मोटिव नहीं होता, सिर्फ मतलब ये कि आप उसको
पैसे दोगे, रिवार्ड दोगे, इंसेंटिव दोगे, वो आपके लिए काम करेगा। तो इसमें एक ह्यूमन साइकी भी इन्वॉल्व हो सकती है, और वो यही है कि जी ज़रूरी नहीं है कि वो 100% या एक्यूरेट, या मतलब ये कि अपने लिमिट या अपने जो कैपेसिटी होती है एक फॉलोअर्स की, उससे बढ़कर काम नहीं करता। जितना रिवार्ड होगा उतना ही काम होगा, लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जब ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए, वो कहते हैं ना कि जब गरज या कोई लालच या कोई कोई रीज़न इन्वॉल्व हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह के रिजल्ट्स भी आए। ये फिर डिपेंड करता है, जितना आप रिवार्ड दोगे उतना ही काम आपको मिलेगा, उतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसमें कमी बेशी हो सकती है। फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म इमीडिएट आउटकम्स ओनली। कैसे, हाउ? शॉर्ट टर्म इमीडिएट आउटकम्स पे इस तरह फोकस होता है कि वो इसी पे फोकस होता है कि जी आप एक ख़ास रिवार्ड आप मुकर्रर करते हो और वो उसी तरह काम करते हैं। आप देखें जी, एक छोटी सी बात, आप अगर आप देख लें दुनिया में जितने भी काम होते हैं, और जब उसकी बेस पे उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक ख़ास किस्म का अमाउंट पैसे, ठीक है मैं मानता हूँ टू बी मोटिवेटेड रिवार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, लेकिन जब सिर्फ इसी पे बात आ जाए कि आपने कोई, मैंने आपके लिए कुछ करना है तो आपने बदले में मेरे लिए रिटर्न में कुछ काम करना है, तो ये एक बड़ा शॉर्ट टर्म और एक बड़ा, मैं कहूँगा कि एक सतही किस्म का एक चॉइस होता है, सतही से इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सोच होती है। तो उसकी ये डाउनसाइड या इस तरह के डीमेरिट्स या इस तरह के फिर और इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं इसके। लेकिन फिर इसके मुकाबले में जब रिसर्चर्स ने काम किया और उन्होंने देखा कि एक नई किस्म भी है लीडरशिप की, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? नाम से जाहिर है, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, उनमें तब्दीली लाना, उनकी सोच में तब्दीली लाना, लोगों को चेंज करना। How it is, it can be defined? The ability to get people to want to change and to lead change. अगर मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसों के बलबोते पर कोई भी कौमें तरक्की नहीं करती, देखिए एक 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 जगह पर मैंने पढ़ा था एक कि जी नेशंस जो होती हैं वो कभी भी पैसों से नहीं बनती, नेशन बनती है मोटिवेशन से, नेशन बनती है लोगों से, नेशंस कौमें बनती हैं तब्दीली से। आप देखें कि जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या अहम पॉइंट होता है कि इसका पूरा फोकस इस पे होता है कि आप कैसे लोगों को तब्दील करने पर आमादा करते हो, उनमें तब्दीली लाते हो, एंड यू परसुएड देम एंड यू इंस्टिगेट अ सेंस ऑफ चेंज अमंग देम। जब लोग खुद ही मान लें कि हाँ जी वी शुड चेंज नाउ, अब वो चेंज किस तरीके से होता है, वो सोच से तब्दीली होती है। तब्दीली किसी रूटीन का नाम नहीं होता, तब्दीली किसी कलर का या यूनिफॉर्म के चेंज होने का या प्रोसीजर के चेंज होने का नाम तब्दीली नहीं होता, बल्कि तब्दीली होती है दिमाग से, माइंड से, माइंड सेट से, इंग्लिश में से कहते हैं मेंटल मॉडल। डॉक्टर प्रोफेसर अनाबेल बेरल की किताब है लीडरशिप एंड चेंज, वो ये कहती है कि जी चेंज जो होती है क्या होता है, वो मेंटल मॉडल्स, पुरानी सोचों को तब्दील करना और नए सोचों को, नई सोच को एडॉप्ट करने का नाम है चेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में सारा फोकस किस पे होता है, उसमें फोकस इस पे होता है कि लोगों को कैसे तब्दील किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल US प्रेजिडेंट था फॉर्मर US प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उसने लोगों को अमरीका की वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज की अपील किस किन अल्फाज में की, और जो कि ये इसका जो ये कॉल था ये आज तक बड़ा मशहूर है, हम भी उसको यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यानी कि ये मत सोचें कि आपने इस मुल्क
के लिए क्या कर सकते हैं या क्या दिया, बल्कि ये पूछो कि ये ना पूछो कि आपके मुल्क ने आपके लिए क्या दिया, बल्कि ये पूछो कि आपके मुल्क ने आपके लिए क्या किया या आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। तो कहने का क्या मतलब, अब ये क्या था, अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का वो जो सेंस था, जो स्पिरिट थी, वो इस सेंटेंस में छुपी हुई है। यानी कि यू चेंज योर सेल्फ फॉर योर कंट्री एंड यू परफॉर्म और यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। एक दूसरी किस्म है, उसे कहते हैं, ट्रांसनेशनल लीडरशिप। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह कहा कि काम काम और सिर्फ काम, ये उनका स्लोगन। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, थ्री एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंस्पिरेशनल एंड कैरिज्मा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन। हम इन तीनों को इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंस्पिरेशनल एंड कैरिज्मा। इंस्पिरेशन एंड कैरिज्मा, देखें जी, लीडरशिप का एक मेन गोल, अगर आपने देखा हो फर्स्ट क्लासेस में या फर्स्ट लेक्चर्स में, हमने एक चीज़ की पे बात की कि लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कैरिज्मा। अच्छा, इंस्पिरेशन एंड कैरिज्मा क्या होता है, क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन लीडर एंड ग्रुप। जब एक लीडर अपने फॉलोअर्स, अपने ग्रुप मेंबर्स के दरमियान एक इमोशनल बॉन्ड बनाता, जब भी एक लीडर के बीच में ये इमोशनल बॉन्ड बनता है तो वो इंस्पिरेशन और कैरिज्मा की निशानी होती है, इंस्पायर हो जाते हैं। और इंस्पायर क्यों होते हैं, जब इमोशनली एफिलिएशन डेवलप हो जाती है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, द क्लास ओके। अच्छा जी, इंस्पिरेशन एंड कैरिज्मा, तो इंस्पिरेशन एंड कैरिज्मा में क्या होता है कि जब एक इमोशनल बॉन्ड बन जाए बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। तो देखें जी, एक चीज मैं बता दूं कि इंस्पिरेशन एंड कैरिज्मा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप, मैं चंद एग्जांपल्स आपको दूंगा, आप उससे अंदाजा लगा लें कि मुसोलिनी, हिटलर और ये बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स थे या जिन्होंने रेवोल्यूशन लाए थे, नेपोलियन और इस तरह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इस तरह, इन सबसे आगे अगर मैं कहूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने इन सब जो लीडर्स में, मैं अब चीज़ें बता दूँ, एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप किया। आप, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बता दूँ, हिटलर, इलाम इकबाल अपनी की मुलाकातें इन बड़े बड़े लीडर से हुई, हिटलर से, मुसोलिनी से, इन जगहों पे गए। हिटलर के बारे में ये मशहूर था कि उन उसके एक इशारे पे एक फौजी या एक जो उसका जो फॉलोअर्स था, वो मतलब ये कि दीवार से छलांग लगाना या अपने आप को कत्ल करना या खुदकशी कर देना, ये सब चीज़ें एक इशारे पे। अब ये क्या था, ये एक इमोशनल बॉन्ड था, जब उसमें ना कोई गरज, ना कोई लालच, ना कोई रिवार्ड, ना कोई पैसा और ना कोई गिव एंड टेक इन्वॉल्व हो। ये कैरिज्मा होता है, यू इंस्पायर फ्रॉम समवन, और ये तभी होता है जब एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाए। तो इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशन और कैरिज्मा क्या होता है, व्हेन अ लीडर डेवलप एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन हिज फॉलोअर्स, या एक बॉन्ड डेवलप हो जाए दोनों के बीच में। How can you do this? मतलब how inspiration, charisma can be developed or how this bond can be developed? और ये bond और ये
बॉन्ड इमोशनल बॉन्ड तभी डेवलप होता है जब लीडर इन्वॉल्व हो जाए, लीडर अपने मैसेज को ट्रांसफर कर दे, आगे पास कर दे। और ये कैरिश्मा भी एक क्वालिटी है, और ये तभी ज़रूरी नहीं, ये मतलब इससे इसको हम दो तरीक़ों से कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है कैरिश्मा, और ये आपके इमोशनल अटैचमेंट के नतीजे में भी बन सकती है। कैसे आप अपना मैसेज इफेक्टिवली अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफ़र करते हो? देखें जी, लीडर की एक निशानी ये होती है कि वो सही लीडर की, कि वो अपने फॉलोअर्स को एक न्यू रियलिटी, एक सिग्नल्स ऑफ चेंज की तरफ इशारा करवा दे, उनको बता दे कि जी इस तरह एक 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 नई चेंज आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और आप सब लोग अपने आप को उसके मुताबिक अडाप्ट कर लो। अब ये परसुएशन चाहता है, मेहनत चाहता है, तलब चाहता है, उनके लेवल पे आना चाहता है, उनके साथ इंगेज होना चाहता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं और आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो, तो देन यू कैन नॉट बी ए कैरिज्मेटिक लीडर, यू कैन नॉट बी एन इंस्पिरेशनल लीडर। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इंस्पिरेशन और कैरिज्मा का मेन ताल्लुक किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है इमोशन से, एफिलिएशन से। अब आप देखिए ना, कायद मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई, लोगों ने अपने सारे सामान, अपनी सारी ज़मीनें, अपने सारी बड़ी बड़ी जागीरों को छोड़कर पाकिस्तान आ गए, एक नए मुल्क में जहाँ पे ना रिसोर्सेज थे, ना पैसा था, ना कोई मतलब ये कि ख़ास किस्म का बेनिफिट था। और मैं अगर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कोई भी गिव एंड टेक नहीं था उनके लिए, लूज़ करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हासिल करने के लिए मटीरियली उनके साथ कुछ नहीं था, कोई रिवार्ड नहीं था। लेकिन जो रिवार्ड वो समझते थे अपने लिए, वो क्या था? वो अपने कायद की पर्सनैलिटी, उनका इंस्परेशन, उनका कैरिज्मा, एक नई रियासत का क़याम, ख्वाबों की ताबीर। अब ये क्या है? दीज आर इमोशनल बॉन्ड। तो लीडर जो होता है वो इंस्परेशन और कैरिज्मा कैसे डेवलप करता है? जब एक इमोशनल बॉन्ड हो जाए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक दूसरा एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। चैलेंज द ग्रुप टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व चैलेंजेस। अगर आप एक लीडर की अकल, उसकी सोच, उसकी इंटेलिजेंस जो उसका लेवल है वो अगर हाई है, तेज है, वो खुद भी मसाइल का हल निकाल सकता है और अपने फॉलोअर्स के माइंड को भी चैलेंज करता है, तो ये क्या होता है? ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है। मतलब ये कि आप क्या अपील करते हो कि जी अगर आप कॉम्पिटेंट हो, आपका माइंड तेज़ है, या मतलब ये कि आप एक मसले का, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके साथ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आजकल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत कम होती है, और जो कर सकता है ये, वो मतलब ये कि वो अपने फॉलोअर्स को इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की अपील देता है। आजकल के प्रॉब्लम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और एक चीज़ कॉमन साइकी भी है कि फॉलोअर्स हमेशा एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करना चाहता है, या उसको अपना फॉलोअर्स बनाना चाहता है, या उनको सेम पेज पे लाना चाहता है, या उनको अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो शैलो पर्सनैलिटी के साथ ये नहीं कर सकता, सतही बात नहीं कर सकता, या सतही बात करने से वो अपने फॉलोअर्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्गली या मतलब इमोशनली अटैचमेंट नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसका इंटेलिजेंस।